लेकिन देवेंद्र फडणवीस के दो जो कुत्ते हैं, हाँ, वो हमेशा इस गंदगी से भागते हैं। अरे कुत्र्या एवढा जरी तुमच्यात इमानदारपणा असता तरी सुद्धा महाराष्ट्रानं तुमचं कौतुक केलं असत। कोण सदाखोत शरद पवार जैसे सबसे बुजुर्ग नेता जो भीष्म पितामह है, कभी कभी मोदी जी भी पवार साहब को अपना गुरु मानते हैं, जिसको मोदी सरकार ने पद्म विभूषण, देश का सर्वोच्च नागरिक किताब दूसरे नंबर का भारत रत्न के बाद वो दिया है, ऐसे नेता जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र से है, हम उनका आदर करते हैं, उनको पैर छूते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के दो जो कुत्ते हैं, हाँ, वो हमेशा इस गंदगी से भूखते हैं, चाहे शरद पवार साहब हो चाहे और नेता हो, महाराष्ट्र को शर्म आती है। पवार साहब ऐसे नेता है, बीमार चल रहे हैं, फिर भी महाराष्ट्र के राजनीति में बिना तांग कर रहे, और हमें अभिमान है कि पवार साहब हमारे नेता है। लेकिन कल ये सदाखोत की भाषा देखिए, जिस भाषा का इस्तेमाल हो किया है कि पवार साहब का एक ऑपरेशन हुआ है वहां, उस बारे में बात करता है। सरकार आने दो, एक ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को देवेंद्र फडणवीस के लौंडे कौन है उसका पता चला, इसीलिए महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र फडणवीस से नफरत करती है। पहले कोई गोपीचंद था, वो इस प्रकार की भाषा करता था, उसको भी फडणवीस ने ही लाया था राजनीति। अब ये कोई सदाखोत है, क्या उसके औकात क्या है, क्या क्या राजनीति में थी, क्या एक स्कूल बनाया, एक अस्पताल बनाया, किसी को मदद की? संजय राउतला गावगाडा माहित नाही, गावगाड्यातलं शेतकऱ्याचा राखणदार कुत्रा याचा तर काही मागमूस असायचं पताच नाही आहे। अरे कुत्रा हा इमानदार असतो, धन्याची राखण करतो, इमानीद्वारे जसं आम्ही आमच्या धन्याची इमानीद्वारे राखण करत आहोत, पण तुम्ही 2014 मोदी साहेबांचा फोटो गळ्यात अडकून मताचा जोगवा मागत गावोगाव हिंडत होता, भाषण करत होता, 2019 तुम्ही भाषण करत होता, आणि सत्तेवर आल्यानंतर तुम्ही पहिला खंजीर हातामध्ये घेतला, तुमच्यात इमानदारपणा आहे का तुम्ही तेवढा पहिल्यांदा स्वतःच्या मध्ये शोधा। अरे कुत्र्या एवढा जरी तुमच्यात इमानदारपणा असता तरी सुद्धा महाराष्ट्रानं तुमचं कौतुक केलं असतं, परंतु मला त्यांच्यावर जास्त बोलावं असं वाटत नाही, कारण डुकराला किती साबण शॅम्पू लावला तरी ते डुकर गटारातच जात असतं।